जब घर में कोई भी सब्जी ना हो पर दिल चाहे कुछ चटपटा और तीखा खाने का, तो आप एक बार ये बेसन की पातोड़ी की सब्जी बनाकर जरूर ट्राई करना। सब्जी के लिए लें आप एक कटोरी बेसन। बेसन को आप पहले अच्छे से छान लीजिएगा। बेसन को यहाँ छानना बहुत ही जरूरी है। कढ़ाई को आप मध्यम आंच में रखें और उसमें 2 चम्मच तेल डाल लें। तेल गर्म होने पर आप उसमें 1/4 चम्मच जीरा डालें, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अगर आपको तीखा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और 1/2 चम्मच नमक। और उसके बाद मैंने 1/2 कटोरी गर्म पानी डाल दिया है। अगर आप 1 कटोरी बेसन यूज़ कर रहे हैं तो आप 1/2 कटोरी पानी डालिए। जब पानी अच्छे से उबलने लग जाए तब आप उसमें छना हुआ बेसन धीरे धीरे करके मिलाते जाएं। एक साथ बेसन आप बिल्कुल नहीं डालिएगा। और एक हाथ से आप फिर देखिए मैंने घोल लिया, उसके बाद थोड़ा बेसन और डाला और फिर इसे कंटिन्यू चला रही हूँ ताकि इसमें लम्स ना पड़े। आपको ये तब तक पकाना है जब तक बेसन अच्छे से पक ना जाए। आप एक प्लेन थाली ले लें और उसमें अच्छे से तेल लगा लें। तेल को आप पूरे अच्छे से थाली में फैला लें। ये देखिए बेसन अच्छे से पक चुका है। आपको इस स्टेज तक अच्छे से बेसन को पकाना है जब ये एक दूसरे से जुड़ने लग जाए, और आपको तुरंत ही इसे थाली में फैला लेना है। पहले आप हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लें क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा और इसे अच्छे से फैला लें। ये देखिए मैंने फैला लिया है, और कुछ काजू की कतली का जितना मोटाई होता है उतना बड़ा मैंने इसे स्क्वायर शेप में काट लिया है। काटने के बाद आप इसे रूम टेम्परेचर में ही ठंडा होने के लिए छोड़ दें। मसाले के लिए लिया है मैंने 2 मीडियम प्याज, 1/2 चम्मच सूखा नारियल, 2 इंच टुकड़ा दालचीनी का, 1/2 छोटा चम्मच खसखस, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लहसुन की कलियां और 2 इंच टुकड़ा अदरक का। सूखे मसाले में लिया है मैंने 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच देगी मिर्च और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और मैंने 1 मीडियम आकार का टमाटर लिया है। मसाले को हम पहले थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई में डाला है 2 चम्मच तेल। आप गैस को मीडियम फ्लेम में रखिएगा और फिर उसमें मैंने प्याज काट के डाल लिया है। प्याज को हल्का सा हम भून लेंगे। प्याज को 1 मिनट चलाने के बाद ही हम उसमें दालचीनी और इलायची डाल देंगे। इसे 1/2 मिनट के लिए और पका लेंगे। देख सकते हैं आप प्याज में थोड़ा सा ब्राउन कलर भी आ गया है, और फिर इसमें आप लहसुन और अदरक डाल दें। इसको आप फिर थोड़ा सा और भून लें, और इसके बाद आप इसमें डाल दें जीरा। आप चाहें तो मसाला को डायरेक्ट मिक्सर में पीस के भी सब्जी बना सकते हैं, बट अगर आप इसे थोड़ा सा भून कर बनाएंगे तो सब्जी का स्वाद इससे बहुत बढ़ जाता है। फिर मैंने लास्ट में खसखस और नारियल डाल दिया है। अगर आप सूखे बड़े नारियल यूज कर रहे हैं तो आप उसे पहले प्याज के साथ भी डाल सकते हैं। आप इसे निकाल कर एक मिक्सर जार में डाल दें। सेम कढ़ाई में ही आप टमाटर को भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भूंज लें। इसे में आपको 1 से 2 मिनट तक ही लगेंगे। ये देखिए टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, और इसे मिक्सर जार में डालकर ठंडा होने पर आप फाइन पेस्ट बना लें। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम में रखें और उसमें 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डालें, और तेल गर्म होने पर आप पूरा मसाला डाल दें। मसाले को आपको बहुत अच्छे से पकाना है जब तक इससे तेल अलग ना हो जाए। मसाला कभी भी कच्चा नहीं रहना चाहिए ग्रेवी में, नहीं तो उसका स्वाद अच्छा नहीं आता। ये देखिए मसाले में से तेल अलग हो गया है, और अब इसमें हम सारे सूखे मसाले डाल देंगे और इसे कंटिन्यू आप चलाते रहें। सूखे मसाले डालकर आप इसे 1 मिनट तक चलाएं ताकि इसके मसाले जले बिल्कुल नहीं। और ये देखिए अब मसाला जो है वो अच्छे से तेल छोड़ चुका है। फिर मैंने इसमें 2 कप गर्म पानी डाल दिया है, और पानी डालकर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि मसाला और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें, और आपको ये पकाते वक्त इतनी अच्छी मसाले की खुशबू आएगी जो हमने मसालों को भूंज कर पीस के डाला है। आप इसे मध्यम आंच पर ढककर उबाल आने तक पका लें। और ये देखिए ग्रेवी में इतने अच्छे से उबाल आ गया है,
और जो तेल है वो भी ऊपर के साइड आ गया है, और कितना अच्छा कलर आया है ग्रेवी का। और फिर उबलते हुए ग्रेवी में ही जो बेसन के टुकड़े हमने काट के रखे थे वो आप डाल दें। बेसन के टुकड़े जो हैं वो आप उबलते हुए ग्रेवी में ही डालें, ठंडे ग्रेवी में बिल्कुल भी ना डालें। आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं तवा पे और फिर इस पे डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। फिर आप इसमें डाल दें आधा छोटा चम्मच मेरा फेवरेट गरम मसाला और फ्रेश हरा धनिया, और आप ये सब्जी गर्मा गर्म चावल या गर्मा गर्म रोटियों के साथ सर्व करें। तो बेसन के पातोड़ी की ये तीखी और चटपटी सब्जी आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।